प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पस्पसा अनुनिकम्मे शास्त्र प्रयोजनाधिकरण का अध्ययन करेंगे। प्रयोजन जिज्ञासा भाष्य, प्रयोजन जिज्ञासा जो भाष्य है वह व्याकरण अध्ययन के पीछे क्या कारण है, क्या प्रयोजन है, उसकी जो जिज्ञासा है उसको जानने रहते हुए तानि पुनः शब्दान शास्त्रम प्रयोजनादि, क्या देखिए व्याकरण अध्ययन के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है, क्या फल है। तो प्रयोजन भाष्य के माध्यम से महामुनि ने बताना चाहा है कि रक्षा, पूर्ण, आग, लघु, संदेह, प्रयोजनम, व्याकरण अध्ययन के लिए पांच प्रकार के प्रयोजन बताए गए। रक्षा, पूर्ण, आग, लघु, संदेह, प्रयोजनम, ये थी भाष्य प्रयोजन। अब इसके पश्चात जो प्रयोजन की स्तुति बतानी चाहिए, सबसे पहले रक्षा, रक्षा पदार्थ निरूपणम भाष्यम, रक्षा पदार्थ का जो निरूपण है उसको महाकवि ने भाष्य बताया है कि रक्षा वेदानां अध्ययनं व्याकरणम्। रक्षा के अर्थ शब्द का जो अनुशासन है, शब्दानुशासन है, उस शब्दानुशासन के विषय में कहना चाह है कि वेदों का जो अध्ययन है वह भी व्याकरण की परिमिति के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार से नए सर्वई सभी प्रकार के लिंगों में सभी प्रकार के
ऋषियों ने वेदों में जो मंत्र है उन मंत्रों को ना सभी व्यक्तियों में पढ़ा जा सकता है ना सभी लोगों में पढ़ा जा सकता है। क्यों? यज्ञ करते हैं यज्ञ करते हैं पुरुष, जो यज्ञ कर पुरुष होते हैं उन पुरुषों के द्वारा इन मंत्रों के अंदर यज्ञोचित लिंग और विभूति का ही प्रयोग होना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए उनका वेदोक्त व्यवस्था के तहत। और जो मान लो आए भैया और जो इस प्रकार से भैया करने हैं बोले इनमें हितोचित परिवर्तन नहीं कर सकता है तो हमें व्याकरण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्यों? कि व्याकरण के अध्ययन में आज ये कहा है कि तमाम मानव भैया करना शत्रु होती भैया करना है जो इस प्रकार से गलत प्रयोग दूसरा नहीं कर सकता है। अस्मान व्याकरण व्याकरण जो निष्ठ है वो व्याकरण विधि का प्रयोग करते हुए उसका सार्थक प्रयोजन सिद्ध करेगा। क्यों? देखिए व्याकरण समझते हैं कि वेदों के अंदर जो है दो प्रकार के यज्ञ प्राप्त होते हैं और उन दो प्रकार के यज्ञ के विषय में भी महाभाष्यकार ने बताना चाहा है प्रकृति और विकृति। जब प्रकृति याग होता है तो आप देखिए उसका विधि विधान पूर्वक निर्देश प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक याग जो है विधि विधान पूर्वक संपन्न होता है और विकृति जो है वो यज्ञ में इनका निर्देश नहीं होता है। अर्थात जैसे प्रकृति मतलब विकृति इस प्रकार से भी बताया गया इस नियम के से भी प्राकृतिक जो याग है उसके समान विकृति में भी व्यवस्था प्रदान की जाती है। ये जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर फिर समझाते हुए महात्मा ने बताना चाहा है कि शौर्यम शौर्यम चरण निर्वेद ब्रह्मवाचार्यम इस वचन के द्वारा भी आप देखिए प्राकृतिक याग जो है वो आगे का मंत्र है। इसमें अग्ने पादोतम निर्वपामी इसके समान में भी व्यक्ति परिवर्तन करके हम यहाँ यहाँ पर शौर्यम कर सकते हैं और शौर्यम की जगह आप देखिए जो अग्ने है इस अग्ने के समान चतुर्थी का जो प्रयोग करके और हम इसको इस रूप में भी इसका उच्चारण कर सकते हैं सूर्याय पादुष्टम निर्वपामि ऐसा भी कर लेते हैं ऐसा भी समझ लेते हैं। ये भी आप देखिए विभक्ति का ये भी परिणाम है। इसलिए लिंग और जो वचन है लिंग और वचन के अंदर परिणाम को इस प्रकार से समझना चाहिए। इस प्रकार से हम पढ़ते आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान पूर्वक इस प्रकार से अध्ययन व्यवस्था से जुड़े रही हैं और हम ई कक्षा के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को विषय वस्तु के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए सुचारू अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।